बहुत स्वागत है आपका। आप जुड़ गए अपने चैनल द लोकल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार, आप जुड़ गए हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। मैं हूं संध्या खजूरिया। तो आज हमारे साथ कुछ खास बातचीत करने के लिए हैं एनसी यूथ प्रेसिडेंट शादाब सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है द लोकल रिपोर्ट में। थैंक यू सर। जो प्रकाश जी के ऊपर जो हमला हुआ बीजेपी वर्कर्स द्वारा, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, वो क्यों हुआ? वेद प्रकाश जी एक चेयरमैन म्यूनसिपल काउंसिल डोडा भी हैं, एक पोजीशन पे बैठे हुए हैं, एक कुर्सी पे बैठे हुए हैं, और उसके साथ साथ वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सीनियर वर्कर भी हैं डोडा में। वो एक पार्टी की तरफ से दी गई ड्यूटी निभाने गए थे और उन पे हमला जो बीजेपी के वर्कर्स ने किया है वो एक बौखलाहट के तहत किया है कि जब उनको अपनी हार दिख रही थी वहाँ पर, तो वहाँ पर छोटा सा गाँव है, 150-200 वोट हैं, उनमें से कुछ हमारे साथ थे, कुछ उनके साथ थे। अब वो उनसे कोई भी इस डेमोक्रेसी में कोई भी कहीं भी जा सकता है, किसी भी वक्त जा सकता है। तो ये मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये बौखलाहट की वजह से ये इन्होंने किया है कि ये जब इनको अपनी हार दिख गई और जब से ये वोटिंग ख़त्म हुई है तब से तो ये बिल्कुल इनको सांप सूख गया है, ये बिल्कुल खामोश हो गए हैं, बिल्कुल मैदान में हमसे बात नहीं कर रहे हैं या मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं। तो ये वही वजह थी ये इनने ऐसा किया। बाकी रहा सवाल, अब ये घाट कॉन्स्टिट्यूंसी में भी कल आपने रिपोर्ट सुनी होंगी कि कांग्रेस वर्कर्स ने एनसी वर्कर पर हमला किया। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी जमात है जिनने कभी इस दंगे फसाद में बिलीव नहीं किया है, हमेशा भाईचारे की बात की है। यहाँ पे भी जब कांग्रेस को ये कुछ अपनी हार नज़र आ रही है तो उसी बौखलाहट में उन्होंने यहाँ भी नेशनल कॉन्फ्रेंस से कल कैंडिडेट तक की गाड़ी रोकी। अब मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल करता हूँ कि क्या हक बनता है एक सिविलियन को किसी कैंडिडेट या किसी भी इंसान की कोई गाड़ी रोक के रास्ते में रात के वक्त या दिन के वक्त उसकी गाड़ी की तलाशी करे? किसने हक दिया है उनका? एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से हुई? जो रेगुलर नाके पुलिस रोड्स पे होती थी, कहीं गांव में होती थी, वो कहीं इस टाइम हमें कहीं भी नहीं दिख रही है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायोलेशन बार बार हो रही है। कल ही एक रात को हमारे वर्कर्स ने एक गाड़ी में एक ट्रांसफार्मर, जो कि शायद 63 KV ट्रांसफार्मर, ट्रक में एक बजरी के अंदर छुपा के दबा के रखा हुआ था, वो ले जा रहा था। तो उस पर एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ सोई है? ट्रांसफार्मर तो एक पब्लिक प्रॉपर्टी, एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, वो फिर जब गवर्नमेंट किसी ऑफिस से, उनके स्टोर रूम से निकल के ही पब्लिक को पहुँचाए। इस वक्त कोड ऑफ कंडक्ट की बात है, इस टाइम वोटर्स को वू करने के लिए वो ये सब हरकतें कर रहे, तो डैट मीन्स कि एडमिनिस्ट्रेशन या डिपार्टमेंट्स के लोग भी किसी पर्टिकुलर पार्टी के साथ मिले हुए हैं, इसलिए ऐसे इंसिडेंट्स हमारे सामने आ रहे हैं। अब मैं यही अपील करूंगा लोगों से, इलेक्शन आते जाते रहते हैं, हमें भाईचारा कायम रखना है, हमें एक दूसरे के साथ आगे भी रहना है। दो खिलाड़ी, जब दो टीम्स मैदान में होती हैं, एक हारता है एक जीतता है, किसी ने हारना है किसी ने जीतना है, लेकिन उस सियासत के बीच में आके अपने भाईचारे को, अपने हमदर्दी को, एक दूसरे की हमदर्दी को, उसको ख़त्म ना करें और इलेक्शन को इलेक्शन की तरह ही लें, ना कि ये कोई जंग नहीं है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। मैं हूँ संध्या खजूरिया। तो आप जुड़े रहिए द लोकल रिपोर्ट के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। सब्सक्राइब द लोकल रिपोर्ट एंड प्रेस द बेल आइकन, यू विल गेट All new notification. Thank you.